दोस्तों, मन विचार शक्ति के जरिए शरीर को प्रभावित करता है और उसे नियंत्रित भी करता है। इस तथ्य की पुष्टि वैज्ञानिक भी करते हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं उससे विभिन्न तरह की भावनाएं और इच्छाएं जन्म लेती हैं। फिर ये भावनाएं और इच्छाएं क्रिया में बदलकर शरीर को प्रभावित करती हैं। दोस्तों, अब दुनिया इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि मन और शरीर में कितना गहरा रिश्ता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब मन और शरीर के साथ आत्मा को भी प्रकाश में लाया जाता है तो उसके पश्चात मनुष्य के जीवन में कैसे बदलाव आते हैं, इस बात को ही हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मेरी रुचि अध्यात्म की ओर लंबे समय से है। मैं ध्यान और साधना के विभिन्न पहलुओं को महसूस कर चुका हूँ और मैं इस बात को समझ चुका हूँ कि ध्यान में भावनाओं के अनंत विचार उठते हैं, जिन्हें लयबद्ध करने का कार्य ध्यान की शक्ति से ही प्राप्त होता है। अध्यात्म के मार्ग पर चलने के कारण मुझे अपने मन, मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न पहलुओं को समझने का मौका मिला है। मैं अब पहले से ज्यादा मन और शरीर के बीच के रिश्ते को समझने लगा हूँ। दोस्तों, हम आत्मा को देख नहीं सकते हैं, इसलिए विज्ञान आत्मा शब्द में विश्वास नहीं रखता है, लेकिन विज्ञान एक ऐसी ऊर्जा के होने का दावा जरूर करता है जो अदृश्य रूप से एक तय समय के लिए हम मनुष्यों के शरीर को चला रहा है। जब एक इंसान ध्यान करता है और ध्यान की अवस्था में विकट गहराई में उतरने लगता है तो वह मन और शरीर के बंधनों से मुक्त होते हुए स्वयं को इस बात का बोध करवा पाने में सफल हो जाता है कि वह एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है। विज्ञान की भाषा में एक उच्चतम और शीर्षस्थ ऊर्जा जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता है। दोस्तों, एक मजबूत आत्मा दिमाग और शरीर को भी ऊर्जा से भर देता है। इससे हमारे जीवन में प्रचुर सकारात्मक बदलाव संभव हो पाते हैं। वास्तव में हर एक इंसान के लिए आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब दूसरे इंसान से अलग होता है। अध्यात्म में एक इंसान जो महसूस करता है वह उसकी भावनाओं के द्वारा उठे विभिन्न विचार शक्ति का संगम होता है। इसीलिए यह जरूरी नहीं कि एक इंसान ध्यान की अवस्था में वही महसूस करे जो दूसरा व्यक्ति करता है। दोस्तों, हर इंसान के लिए ध्यान में शांति पाने का इंद्रिय बोध शक्ति अर्थात अनुभव अलग होना प्राकृतिक है। सरल शब्दों में कहा जाए तो ध्यान में शांति पाने का अनुभव एक इंसान के लिए दूसरे इंसान से अलग हो सकता है। आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब है कि अपने मन और शरीर के बंधनों से मुक्त होकर उस ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करना है जो परम सत्य, परम आनंदमय और परम शक्तिशाली है। दोस्तों, अपने आप को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने के लिए स्वयं के भीतर इच्छा शक्ति लाना अनिवार्य होता है। ऐसे में जब आपके भीतर इच्छा शक्ति होगी तो आप स्वयं को उसके अनुसार ढालने का प्रयास कर सकते हैं और तभी जाकर आपकी उन्नति संभव हो पाती है। जब इंसान अपनी आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ भी नहीं करता है तो उसे जीवन में ऐसे मार्ग देखने पड़ जाते हैं जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता है। वैसे तो उस इंसान को सब कुछ सामान्य ही प्रतीत होता है। उसे लगता है कि उसके जिंदगी में घटने वाली सभी बुरी घटनाएं उसके अपने ही हैं और वह उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन वह इंसान अपनी जिंदगी से कई ऐसे रास्तों को देखने से वंचित रह जाता है जो ईश्वर ने उसके लिए तैयार रखे होते हैं। दोस्तों, यदि वह इंसान आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का प्रयास मात्र करता है तो उस इंसान का जीवन को देखने का नजरिया जरूर बदल जाता है। संभव है कि कल तक जो बातें उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वह अध्यात्म के मार्ग पर चलने से सरल बन जाए, और यह तभी संभव हो पाता है जब हमारा स्वयं की आत्मा के साथ साक्षात्कार होता है। दोस्तों, जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि शरीर वस्त्र है और हम एक आत्मा जो परम दयालु ईश्वर के अंश हैं, तो इसके बाद और कुछ शेष जानने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, मेडिटेशन का पालन करने से, ईश्वर के बताए मार्ग पर चलने से, धार्मिक किताबें पढ़ने से आध्यात्मिक शक्ति पैदा होती है जिससे हम वास्तविकता में ईश्वर के कथनों को अपने कानों से सुनने के काबिल बन जाते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई स्वयं की संवेदनाओं और भावनाओं को महसूस करें। दोस्तों, आत्म अनुभव करने के लिए शांत मन से पूरी तरह मौन होकर अपने समस्त विचारों और भावनाओं पर दृष्टि डालनी होती है और इस बात को समझना होता है कि कौन से विचार तथा भावनाएं बिना आपकी इच्छा के आपके द्वारा आपके भीतर पैदा हो रही हैं। वैसी अनियंत्रित भावनाओं को संयमित करने की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर एक इंसान आत्म साक्षात्कार करने के काबिल बन पाता है। दोस्तों, अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों का संपर्क भौतिक दुनिया से दूर अभौतिक दुनिया से हो जाता है। अभौतिक दुनिया उसे कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता है।
यह परम दयालु ईश्वर की दुनिया है। मेडिटेशन करने से मन और हृदय को एक नवीन ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऊर्जा अध्यात्म की दुनिया का होता है। साधारण भाषा में ये ऊर्जा ईश्वर का ही प्रकाश होता है, जो सालों पुराने घाव को भरने का काम करती है। ऐसे में मनुष्य के मन और हृदय में फिर से बदलाव आने शुरू हो जाते हैं और समय के साथ वे पूरी शक्ति से अपनी बुरी यादों से बाहर निकल आता है। दोस्तों, मैंने अध्यात्म के मार्ग पर चलने के दौरान कई दिव्य भावनाओं को महसूस किया है। कई भावनाएं इतनी कीमती थीं कि उनको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। अध्यात्मानंद से परमानंद तक पहुंचने का रास्ता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो बलपूर्वक आपके मन और चित्त में उठने वाली सभी भावनाएं किसी संगीत की तरह लयबद्ध होनी शुरू हो जाती है। वह सब कुछ जो आपके नियंत्रण में है आपकी इच्छा के अनुकूल चलनी शुरू हो जाती है। फिर आप ध्यान के अनंत गहराई में पहुंच जाते हैं। इससे आपके पुराने दोषों का नाश होने लगता है और आप ईश्वर के संकेत पाने के काबिल बन जाते हैं। दोस्तों, हम सभी के अंदर खुशी छिपी हुई है, बस परेशानी यह है कि वे खुशियां डर, चिंता और बीमारियों के जाल से बाहर नहीं आ पाती है। लेकिन अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले इंसान के लिए इन खुशियों को बाहर निकालना आसान हो जाता है। ध्यान करने से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वे इस भौतिक दुनिया से परे अध्यात्म की दुनिया की होती है। सही समझ होने से मनुष्य उन ऊर्जाओं को आनंद और फिर परमानंद में परिवर्तित कर सकता है। यह ज्ञान भी ध्यान के माध्यम से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। आध्यात्मिक अभ्यास करने के कारण हमारे जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकते हैं। यह अभ्यास हमें अपने आंतरिक लक्ष्यों की पहचान करने, मन को स्थिर और शांत रखने, सत्य और प्रेम के मूल्यों को समझने और आदर्शों के साथ एक उच्चतम जीवन जीने की क्षमता प्रदान करता है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो आध्यात्मिक अभ्यास हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। यह हमारे मन को शांत करके स्थिरता को स्थापित करता है और चिंताओं और स्थिरता के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। इसके साथ ही यह हमें आध्यात्मिकता के मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति संवेदनशील बनाता है, जिससे हम खुद को और दूसरों को समझने की क्षमता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।